रायगढ़ जिले के कोतरा रोड थाना क्षेत्र में आरक्षक और एक ड्राइवर के साथ मारपीट करने के मामले में आरोपी रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक के पुत्र ऋतिक ने मंगलवार को खुद अपने पिता व अन्य साथियों के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर समर्पण कर दिया। गौरतलब है कि पिछले दिनों विधायक पुत्र द्वारा रायगढ़ जिले के कोतरा रोड थाना अंतर्गत एक ड्राइवर के साथ मारपीट और थाने के अंदर घुसकर आरक्षक के साथ मारपीट करने की घटना कारित की गई थी, जिस पर पुलिस ने विधायक पुत्र ऋतिक नायक व उसके साथियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर रविवार को एक युवक को गिरफ्तार भी किया था। पूरे मामले की जानकारी रायगढ़ कोतवाली थाना प्रभारी ने दी। बीते दो दिन पूर्व लालजीत राठिया के द्वारा लिखित आवेदन पर अपराध पंजीबद्ध विधायक के पुत्र ऋतिक नायक के खिलाफ एवं अन्य के विरुद्ध कराया गया था, जिसके तारतम्य में एक आरोपी की गिरफ्तारी कल शुभम शर्मा की गई थी। अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के सरगर्मी से पता तलाश किया जा रहा था, जिसमें आज दिनांक के सुबह प्रातः 9:30 बजे के आसपास में विधायक महोदय के द्वारा 6 आरोपी गण को सिलेंडर कराया गया है। आगे की लिखापढ़ी कार्रवाई जारी है।